हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल इस चैनल में हम यूजीसी नेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यू नेट जून की साइकिल हुई है उसमें जो दोनों शिफ्टें हुई हैं ट्वेंटी जून को उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिपीट हुए हैं और आए हैं ये देखना जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं पेपर वन में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले दस साल के देख लेंगे तो सत्तर से पचहत्तर परसेंट जो पेपर आता है वो इन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है तो अगर आप दिसंबर की साइकिल के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा यूजीसी नेट जून की साइकिल में जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपको इस प्ले में मिल जाएंगे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये प्ले आप अच्छे से देखिए क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स की एक लिस्ट मिलेगी एंड बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो अगली साइकिल में भी रिपीट हो इसके अलावा इस चैनल में हमने यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं इस प्लेलिस्ट में एंड सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए तो इस प्ले में हमने थाउजेंड से ज्यादा क्वेश्चन एंड बताए हैं देखिए शॉर्ट्स में में डिटेल तो चीजें एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिवाइज करना है आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अब हम देखते हैं कि ट्वेंटी सेकेंड जून को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं अब हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो इन शिफ्टों में जिन जिन एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा सेल्फ डिक्लेयर करे गए हैं एक क्वेश्चन आया था रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर और रीड ओनली मेमोरी के ऊपर ये जो टॉपिक है वो इस साइकिल में काफी रिपीट हुए हैं सेम केस रहा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का जो फिर से रिपीट हुआ था स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन आया है इसके अलावा एजुकेशन कमीशन के ऊपर इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं कुछ एजुकेशन कमीशन जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो है हंटर कमीशन मोडालियर कमीशन कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन और जस्टिस वर्मा कमीशन इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है सिंपल इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार डी के ऊपर जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो एवरेज रिलेटेड था और वो मॉडरेट लेवल का था इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो काफी ईजी था एंड इसका जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन के ऊपर था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बार के एग्जाम में फैलेसीज के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है एंड कुछ शिफ्टों में तो दो दो क्वेश्चन तो के मल्टीपल शिफ्ट में ग्रीन हाउस गैस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल शिफ्ट में इस बार का जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सी गैस नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती है सही उत्तर है हाइड्रोफ्लोरोबन परफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ये सिंथेटिक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो एमिट होती हैं हाउस होल्ड से कमर्शियल अप्लायंसेस से और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और उनके प्रोसेस से इसके अलावा जो सेकेंड शिफ्ट में डी का प्रश्न था वो एवरेज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था एक क्वेश्चन आया है एजुकेशन कमीशन के ऊपर जिनको आपको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में इसके अलावा फोटो वोल्टेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया है यूनिवर्सिटी और एंशियंट यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन इस बार बहुत रिपीट हुए हैं एक क्वेश्चन आया है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के ऊपर जो 1904 में आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन क्वेश्चन आया है रिसर्च पब्लिकेशन के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं प्रोटोकॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया है बट कौन सा एग्जैक्ट प्रोटोकॉल था वो नहीं पता है काफी एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल से रिलेटेड या आईसीटी में प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ये एग्जैक्टली exactly एनवायरनमेंट में है या आईसीटी में है वो अभी पता नहीं है बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आया है एंड ये जो टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू एग्जा डेसिमल डेसिमल टू ऑप्टल ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं तो आप इनको जरूर रिवाइज करिएगा इसके अलावा टीचर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है ये पिछली शिफ्ट में एक बार आया था एंड फिर से रिपीट हुआ है पॉल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के ऊपर इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं सिलोजिज्म के ऊपर तो ये साइकिल में आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल था मैं आपको कहूंगा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सो so, प्लीज जो ये टॉपिक एनालिसिस की प्लेलिस्ट है इसे जरूर देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था थैंक यू फॉर वॉचिंग